हेलो एवरीवन। सो टुडे आवर टॉपिक इज कंप्रेसर। इससे पहले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कंप्रेसर के बारे में, सॉरी न्यूमेटिक सिस्टम के बारे में, और उसमें मैंने बहुत सारे कंपोनेंट्स को शो किया था वहाँ पे, जिसमें से एक कंपोनेंट आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, कंप्रेसर। ठीक है, मैंने बहुत सारी, इससे पिछले वाला लेक्चर आप दे सकते हो, कंप्रेसर, उससे अटैच हमारा ड्रायर था, उससे उसके बाद हमारा था रिजर्वायर या एयर टैंक बोल लो आप, उसके बाद FRL यूनिट। ठीक है, तो अब यही जो मेन वर्किंग कंपोनेंट्स है उसमें से एक को आज हम डिस्कस करेंगे, कंप्रेसर। ठीक है, बेसिकली अगर कंप्रेसर की बात करें तो हाउ कैन वी डिफाइन कंप्रेसर, कंप्रेसर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ डिवाइस विच इज यूज टू कंप्रेस द एयर बाई रिक्वायर्ड वॉल्यूम और प्रेशर। जो हमें रिक्वायर्ड वॉल्यूम और प्रेशर चाहिए उस पर ये क्या, हम एटमॉस्फेरिक एयर को या एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मौजूद जो है एयर, उसको क्या करता है, कंप्रेस करता है और हाइयर प्रेशराइज्ड एयर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये हुआ बेसिक सा काम जो कंप्रेसर करती है। अब यहाँ पे अगर इसके कैटेगरी या क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये जनरली दो टाइप का होता है। पहले बात करूँ, फर्स्ट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर, द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। एंड दूसरे की बात करें अगर सेकंड की, तो सेकंड को हम लिखते हैं डायनेमिक डिस्प्लेसमेंट। सेकंड क्या है हमारा, डायनेमिक डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। ठीक है, फर्दर अगर इसका डिवीजन करें, फर्दर ये दो कंप्रेसर में डिवाइड होता है। पहला जो बहुत आपने सुना भी सुन रखा भी होगा, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। एंड इसी में अगर नेक्स्ट बार की बात करूं तो ये हो जाएगा एक्सियल कंप्रेसर। सेकेंड होगा हमारा एक्सियल कंप्रेसर, बट वी आर कंसर्न्ड अबाउट द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। बट अगर हम बात करें न्यूमेटिक सिस्टम की, तो एज वी ऑल नो कि न्यूमेटिक सिस्टम में वर्किंग फ्लूइड जो है हमारा वो एयर होता है, और जनरली अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे यूज इसमें भी एयर का होता है, बट वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ओनली हियर। हाँ, अगर आपको अगर सेंट्रीफ्यूगल या एक्सियल पे अलग से आपको क्लास चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, कम टू द टॉपिक, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। अगर इसे फर्दर हम डिवाइड करें तो इसकी सब डिवीजन क्या है, फर्स्ट इज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। पहला है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर एंड द सेकेंड इज रोटरी। नाम से पता चल रहा है इसमें जो हमारा यूज होगा कंप्रेसर वो रेसिप्रोकेट करेगा, और इसमें जो हमारा होगा रोटरी वाले में रोटेट होगा, जैसा कि नाम बता रहा है यहाँ पे। ओके, नाउ फर्दर वी डिवाइड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इनटू टू डिवीजन, फर्स्ट इज सिंगल एक्टिंग एंड सेकंड इज डबल एक्टिंग। और उसी तरह से रोटरी में बात करूँ तो रोटरी में दो टाइप के होंगे, रूट्स ब्लोअर और वैन टाइप। तो ये हमारा जो बेसिक एरिया है डिस्कशन का वो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का। तो पहले हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में बात करेंगे, और उसमें भी पहले बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, पहले इसके बारे में बात करते हैं। ओके, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को पहले दिखाते हैं। तो पहले बात कर रहे हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का, जैसा कि ये नाम हमारा बोल रहा है रेसिप्रोकेट करेगा, तो किस में करेगा, आइए देखते हैं। ये हमारा करेगा सिलेंडर में,
अगर आपने आईसी इंजन पढ़ रखा है, इंटरनल कम्बसन इंजन, तो सेम प्रोसेस हमारा यहाँ पे कंप्रेसर का होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा है पिस्टन, ये हमारा है पिस्टन, ये हमारा है पिस्टन। नेक्स्ट ये क्या हो गया, पिस्टन रॉड, और इसके आगे कनेक्टिंग रॉड वगैरह होता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। यहां पे बात करूं तो यहां एक पोर्ट होता है हमारा, और एक पोर्ट यहां होता है हमारा। ओके, यहां पे दो पोर्ट मैंने बना दिया है। अब यहां पे क्या होता है, ये हमारा इंटेक का है, मैं यहां बना देता हूं, ये हुआ इनटेक का, ये हमारा इनटेक, जहां से एयर को अंदर आना है इस सिलेंडर में, ये हमारा हुआ सिलेंडर। ठीक, ये हमारा हुआ सिलेंडर हेड, ये वाला, इसी के थ्रू अभी कंप्रेशन होने वाला है। अगर आपने पढ़ रखा होगा आईसी इंजन, तो उसमें चार प्रोसेस होता है आईसी इंजन में, सक्शन, नेक्स्ट कंप्रेशन, उसके बाद यहाँ पे आईसी इंजन की बात करूँ तो यहाँ पे स्पार्क होता है और फिर उसके बाद ये नीचे जाता है। बट यहाँ पे तीन प्रोसेस होगा, कैसे, पहला सक्शन, दूसरा कंप्रेशन और एग्जॉस्ट। ये हमारा क्या है, एग्जॉस्ट वाल्व, ये हमारा है, दिस वन इज एग्जॉस्ट। ठीक, और ये हमारा क्या है, इनलेट का, मींस यहां इसके बाद ये रिजर्वायर में जाएगा, जो हमारा एयर टैंक है या रिजर्वायर जो बोल लो आप, वो यहां पे जाएगा, यहां से फर्दर। अब बात करते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। एयर हमारा इनटेक करेगा कंप्रेसर, कंप्रेसर विल इनटेक का एयर इनटू द सिलेंडर, जब पिस्टन, देखिए एक बात यहां देखिए, इसे हम बोलते हैं TDC, means TDC means top dead center, top dead center मतलब इसके ऊपर ये पिस्टन मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, और दूसरा अगर बात करूं तो यहां पे हो जाएगा अपना BDC, BDC means bottom dead center, मतलब इसके नीचे पिस्टन, below पिस्टन इज नॉट एबल टू मूव बिलो द BDC, ये BDC तक आकर रुक जाएगा। अब बात करूं तो TDC से BDC की वैल्यू को, ये पूरे लेंथ को क्या बोलते हैं, हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं VS, मींस VS मींस स्वाइप्ड वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम, मतलब यहां पिस्टन यहां से और यहां तक मूव कर सकता है, स्वाइप कर सकता है, स्वेप्ट कर सकता है, तो इसे बोलते हैं VS, रिप्रेजेंट करते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम से। ओके, यहां पे आप देख रहे हो, यहां पे छोटा सा स्पेस छूटा है, ये वाला TDC के ऊपर और सिलेंडर हेड के नीचे, ये जो डिफरेंस है यहां पे, इसे बोलते हैं हम लोग VC, VC मींस क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, क्लियरेंस वॉल्यूम, अगर ये सपोज करो कि ये VC नहीं होता, वो क्लियरेंस क्लियरेंस वॉल्यूम ना होता, तो क्या होता, ये जो पिस्टन है डायरेक्टली हमारा हेड से होता, तो मे हो सकता था वहाँ पे कुछ डैमेज हो जाए या वियर हो जाए सिलेंडर हेड का, तो इसीलिए यहाँ पे क्लियरेंस वॉल्यूम दिया जाता है। दूसरा पर्पज़ क्या है, क्लियरेंस ही वॉल्यूम है जहाँ पे ये वॉल्यूम चेंज होता है और प्रेशराइज होता है। ठीक है, वो छोटा सा एरिया, ये छोटा सा एरिया। अब चलिए बात करते हैं वर्किंग के, कम टू द पॉइंट।
यहाँ से एयर सफ होगा, जब ये मूवमेंट टीडीसी से बीडीसी करेगा तब क्या होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर है ना, इधर पे एटमोस्फेरिक प्रेशर है, और जब ये नीचे जाएगा पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर मूवमेंट करेगा, अपना ट्रैवल करेगा, तो क्या होगा, अंदर का जो प्रेशर है वो एटमोस्फेरिक से डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही डिक्रीज हो जाएगा, वी नो दैट प्रेशर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, तो यहाँ लो प्रेशर जनरेट हो चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, वाल्व ओपन हो जाएगा। अब ये वाल्व यहाँ ओपन हो जाएगा, अब ये वाल्व हमारा ओपन हो गया। अब एयर जो है यहां से आना शुरू हो गया, जैसे ही नीचे को आया, बीडीसी तक आया, बीडीसी से पूरा एयर इसमें भर चुका है। एट दैट टाइम द एग्जॉस्ट वॉल्व इज रिमेन्स क्लोज्ड, ये याद रखिएगा, जब ये बीडीसी की ओर जा रहा है, मतलब सक्शन कर रहा है, जब एयर अंदर आ रहा है, जब यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो चुका है, तो ये वॉल्व खुल जाएगा, क्योंकि एटमोस्फेयर उस समय ज्यादा हो जाएगा इसके कंपेरिजन में, ठीक है। तब ये जब नीचे आएगा बीडीसी तक, तब अभी भी ये क्या है, क्लोज्ड पोजीशन में है, ठीक। अब जब पूरा यहाँ आ चुका है, यहाँ बीडीसी तक ये पिस्टन हमारा एयर इसमें भर चुका है, ठीक है। अब उस समय ये क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो गए, तो ये यहाँ पे प्रेशराइज प्रेशर ज़्यादा होने लगेगा, तो क्या होने लगा, धीरे धीरे क्लोज हो गया। अब ये दोनों क्लोज हो चुका है, जब ये बीडीसी पे पहुँच चुका है। अब नेक्स्ट हमारा मूवमेंट क्या करेगा, ये ऊपर को ट्रेवर्स होगा, मींस जो यहाँ था, अब धीरे धीरे सेकेंड स्ट्रोक में धीरे धीरे ऊपर आने लगेगा। तो जो वॉल्यूम इतना था, जो वॉल्यूम हमारा इतना था, ये इतना, वो अब क्या होने लगेगा, वॉल्यूम कम होने लगेगा। तो वॉल्यूम अगर कम होगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो जब हमारा पिस्टन मूव करेगा बीडीसी से टीडीसी, तब क्या होगा, ये वॉल्यूम कंप्रेस होकर 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 इतने पे आ गया, है ना। तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो प्रेशर इंक्रीज हो गया, आ रहा है समझ में आपको, प्रेशर इंक्रीज हुआ। जैसे ही यहाँ पे प्रेशर आएगा, ये प्रेशर रिजर्व, अभी देखो ये बंद किया हुआ है, अभी इससे पहले जो प्रोसेस था इसको बंद किया हुआ है, कौन, रिजर्वायर में भी तो एयर है, प्रेशराइज्ड एयर, तो वो प्रेशराइज्ड एयर इसको प्रेस करके रखता है, बंद किए हुए रहता है पूरे प्रोसेस में। लेकिन जब ये ऊपर यहाँ पे आ गया, तो यहाँ प्रेशर बहुत ही हाई हो गया, तो जैसे ही ये प्रेशर हाई हुआ, तो इस प्रेशर से, इधर वाले लाइन के प्रेशर से ये प्रेशर ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, इसे अपवर्ड पुश करेगा, और ये हमारा एग्जॉस्ट वॉल्व क्या होगा, इस तरह से ये एग्जॉस्ट वाल्व, ये खुल जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा, ऊपर को उड़ जाएगा, तो एयर यहां से एग्जॉस्ट होना, हाई प्रेशर एयर एग्जॉस्ट होना, एग्जॉस्ट मींस रिजर्वायर में हमारा रिजर्व होता जाएगा, स्टोर होता जाएगा एयर टैंक में, ठीक है। तो ये बेसिक सा प्रिंसिपल है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की, कंप्रेसर का। और एक बात बहुत गौर करने वाली है कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर वहीं पर यूज कर सकते हैं जहां पे हमें हाई प्रेशर रेशियो की ज़रूरत हो, मींस कि हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट हो, बट द फ्लो शुड बी लो, फ्लो क्या होना चाहिए, लो, क्योंकि ये देखिए आप यहां पे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, इसे पहले एयर को लाना है, फिर उसे एयर को लाएगा, नीचे जाएगा, सक करेगा, उसके बाद कंप्रेस करेगा, तब डिलीवरी देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लो है, तो रेसिप्रोकेटिंग कहाँ पे यूज होगा, जहाँ पे हमारा हाई प्रेशर रेशियो चाहिए। देखिए यहाँ प्रेशर बहुत हाई कर रहा है, रेशियो जो है प्रेशर राइजिंग रेशियो, यानी अगर मान लें अगर यहाँ पे P1 है, तो यहाँ जो P2 है ये चेंज हुआ है प्रेशर का, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा P2 इज वेरी लार्जर देन द P1, है ना। तो ये रिक्वायरमेंट कहाँ पे होगी इस कंप्रेसर का, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का, जहाँ पे हमारा हाई रिक्वायरमेंट कहाँ पे होगा इसका, आपका हाई
हाई प्रेशर रेशियो रिक्वायर होगा, जहां पे हायर प्रेशर रिक्वायरमेंट होगा वहां पे ये यूज होगा, प्लस 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 लो एयर फ्लो, प्लस में लो एयर फ्लो भी रिक्वायरमेंट हो, मतलब ये क्या कर पाएगा वर्किंग, सिर्फ हाई प्रेशर रेशियो जहां रिक्वायर्ड हो, बट द फ्लो शुड बी लो, ठीक है, फ्लो क्या होगा, लो होगा। अब अगर उसके उलट बात करूं तो डायनेमिक में मैंने इससे पहले बताया था, डायनेमिक वाले में क्या होगा, डायनेमिक वाले में आपको मैंने लिखा है सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल में जस्ट इसके ऑपोजिट होता है, जस्ट इसके ऑपोजिट, मतलब वहां पे लो प्रेशर रेशियो होगा बट फ्लो क्या होगा वहां पे, हाई होगा। तो अभी वी आर कंसर्न्ड अबाउट द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, तो अभी इसी की बात करेंगे। तो ये हमारा हो गया एक बेसिक सा वर्किंग कि कैसे काम करेगा। तो ये आप देख रहे हो ना, ये है सिंगल, क्योंकि ये सिंगल साइड में काम कर रहा है, इसी साइड पे तो काम कर रहा है, तो इसे बोलेंगे सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ठीक है। अब डबल का इसी को कन्वर्ट करना होगा डबल में, तो क्या करेंगे देखिए, इसको एक क्लोज सिस्टम बना लिया मैंने, ठीक है। अब जो प्रोसेस ये पूरा यहाँ है ना, वो यहाँ पे हो जाएगा, मतलब एक पोर्ट यहाँ भी हो जाएगा, और एक पोर्ट यहाँ भी हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि देखिए, स्टार्टिंग में जब ये सक करेगा, ये सक करेगा, यहाँ पे आ रहा है ना, ये सक कर रहा है, तो उस समय यहाँ पे क्या होगा, एक कंप्रेस होगा, ये जब एक्सपेंड हो रहा है, सक कर रहा है, तब यहाँ पे इस साइड पे क्या हो रहा है, ये कंप्रेस हो रहा है और यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाएगा। जब ये बीडीसी पे पहुँच जाएगा, यहाँ पे नीचे और आगे आ जाएगा, ये बीडीसी यहाँ पे चला जाएगा, डबल एक्टिंग में यहाँ पे करीब चला जाएगा, ठीक है। तो जब ये अपने बीडी से पहुंच जाएगा, ये पूरा कंप्रेस हो जाएगा उल्टे साइड में, इस साइड पे, ठीक है, लोअर साइड में, और यहाँ से ये वॉल्व खुलेगा और यहाँ से एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये इधर से जो डिलीवरी होगा, और ये हमारा इनटेक है, ठीक है। अब इनटेक कैसे होगा, जब ये यहाँ पे एग्जॉस्ट शुरू करेगा, तब देख रहे हो आप, ये इस साइड के लिए सक्शन कर रहा है, तब यहाँ से ये वॉल्व खुलेगा, यहाँ से ये वॉल्व खुलेगा, और यहाँ से ये वॉल्व खुलेगा और एयर अंदर आना हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, सिर्फ फिगर मैंने चेंज कर दिया, बाकी प्रोसेस वही है। ये हमारा बन गया डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, ठीक है। सो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे, रेसिप्रोकेटिंग हमारा हो चुका है, उसमें सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग भी हो गया है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक रोटरी कंप्रेसर, ठीक है। सो अगर अभी कोई भी डाउट है तो you can put your doubts in the comment box, okay, thank you.